अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हैदराबाद से हूं। मेरा सवाल था हजरत के, मेरा एक प्लॉट है मेरे नाम पे, हमारे वालिद साहब कह रहे थे 1 ईयर हुआ प्लॉट के ऊपर, वो प्लॉट की वैल्यू 5 लाख रुपए है। तो मैं कंपनी में जॉब करता हूँ, मेरी तनख्वाह 15,000 रुपए है, तो क्या मेरे ऊपर ज़कात फ़र्ज नहीं है? क्योंकि प्लॉट लास्ट ईयर दिला मेरे वालिद साहब मेरे को, जिसे दिला सो है उसकी वैल्यू 5 या 6 लाख रुपए को जारी, तो क्या मेरे ऊपर ज़कात फ़र्ज है? प्लॉट लेके वो 1 साल हो गया मेरे लिए, मेरे नाम पर ये प्लॉट हो, थोड़ा सा वजात लेना ज़कात में दुनिया ना दूँ, क्योंकि मेरी और उसके अलावा कुछ भी सेविंग्स नहीं है मेरे अमाउंट वगैरह के लिए, खाली मेरी इनकमिंग सैलरी है मेरी, बस। वसलाम। ये फ़हीम भाई हैं, हैदराबाद से सवाल कर रहे हैं, और हमारे भाई अक्सर सवाल करते रहते हैं, हमारे बहुत सारे प्रोग्राम में शिरकत करते रहते हैं, मुसलसल शरीक होते हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। भाई साहब का सवाल ये है कि इनके नाम रजिस्टर्ड कर दिया गया है कोई प्लॉट, इनके वाली साहब ने या किसी ने, तो ये जॉब करते हैं, इनकी एक सैलरी है, तो ये पूछना ये चाहते हैं कि इस प्लॉट पर ज़कात है कि नहीं, जिसका जवाब है इस पर कोई ज़कात नहीं है। आपको ज़मीन किसी ने गिफ्ट की है, वो कोई तजारत ना आप कर रहे हैं ना, उन्होंने तजारत के नुक्ते नज़र से आपको दिया है एक ज़मीन, एक प्लॉट आपको दे दिया किसी ने, तो आपका हो गया, आप उस पर घर बनाएंगे कुछ करेंगे, वो आपकी एक प्रॉपर्टी है, लेकिन वो तजारत आप नहीं कर रहे हैं, आप ज़मीन की खरीदो फरोख्त नहीं कर रहे हैं, आप तजारत करते हैं तो उसमें ज़कात की बात होती है, लेकिन चूंकि आप तजारत नहीं कर रहे हैं, किसी ने आपको गिफ्ट कर दिया है, तो उसमें कोई ज़कात नहीं है। अलबत्ता जो आपकी सेविंग होगी, यानी जो आप जॉब कर रहे हैं, कुछ पैसे आप बचा रहे हैं, वो पैसे अगर निसाब को पहुँचते होंगे तो सालाना उसमें 2.5% ज़कात होगी, लेकिन इस प्लॉट पर कोई ज़कात नहीं है। उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा।